नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक गुजराती मूवी के बारे में जिसका नाम है फक्त महिलाओं माटे। वैसे तो ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मैं अब देख जाके देख पा रहा हूँ। इस फिल्म में हमें लीड रोल में नज़र आएंगे यश सोनी, दीक्षा जोशी, भाविनी जानी और अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा कैमियो। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जय बोडस। अब दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो फक्त महिलाओं माटे मेरे लिए एक हल्की फुल्की और बहुत अच्छी सी कॉमेडी मूवी साबित होती है। मतलब दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था नाड़ी दोस्त के कि फैमिली ड्रामा कंटेंट में गुजराती सिनेमा का हाथ दूर दूर तक कोई नहीं पकड़ सकता। जिस तरह से फैमिली कंटेंट दिखाया जाता है, जिस तरह से एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली दिखाई जाती है, उनके बीच की कन्वर्जेशन दिखाई जाती है, हल्की फुल्की जो कॉमेडी होती है उसमें गुजराती सिनेमा दूर दूर तक आगे है। मतलब उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ऐसा फैमिली ड्रामा हम रोज़ की लाइफ में देखते ही हैं, ऐसी बातें हम करते ही हैं। तो गुजराती सिनेमा का हाथ फैमिली ड्रामा मूवी और हल्की फुल्की कॉमेडी में कोई नहीं पकड़ सकता, ये बात तो फैक्ट ही है। इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो जो यश सोनी, उसका नाम होता है चिंतन, वो अपने दादी के साथ, अपनी माँ के साथ और अपनी बहन के साथ रहता होता है। उसके जो फादर होते हैं फिल्म में अमिताभ बच्चन दिखाए गए हैं, जो गुजर चुके हैं। अब दोस्तों, जो चिंतन होता है वो कपड़े की दुकान चलाता है, मतलब कि बुटीक चलाता है, और उसका धंधा भी इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। अभी इसी बीच में पूरी फैमिली के साथ वो लोग अंबाजी जाते हैं, और इसी बीच में जो यश सोनी होता है वो माताजी से प्रार्थना करता है कि माताजी हमें ऐसा एक वरदान दो कि मैं जो भी महिलाएं होती हैं, जो भी स्त्रियाँ होती हैं, उनकी मन की बात जान सकूं। क्योंकि यश सोनी बहुत ही पक गया होता है अपनी ज़िंदगी से, बार बार महिलाओं की जो भी बात है वो समझ ही नहीं पाता, कभी ये बोलती है कभी ये बोलती है, इसलिए यश सोनी बहुत ही ज़्यादा पक गया है लाइफ से। तो ये माता जी से ये वरदान मांगता है, और पता नहीं क्यों लेकिन जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ी से बाहर निकलता है उसका वरदान सक्सेसफुल हो जाता है। वो लड़कियों की, महिलाओं की, सबकी मन की बातें जानने लगता है। महिला हैं, लड़कियाँ, स्त्रियाँ, जो भी मन में जो भी बात करती रही है वो चिंतन को सब सुनाई दे रहा है, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो चिंतन को ये लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा या फिर लोग सच में बोल रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसको ये पावर सच में मिल गई है कि वो महिलाओं की अंदर की बात जान सकता है, मन की बात जान सकता है। तो सबसे पहले तो वो पैनिक हो जाता है और पता नहीं चलता कि भाई क्या करूँ मैं, क्या करूँ। साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता है, लेकिन फिर साइकेट्रिस्ट उसको समझाती है कि तू इस पावर का अच्छा खासा यूज़ कर सकता है, कि ज़िंदगी बचा सकता है, कोई महिला डिप्रेशन में होगी उसको तो बचा सकता है, और अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकता है। फिर उसकी ज़िंदगी में क्या क्या पड़ाव आते हैं, कैसे वो महिलाओं की बात जान के अपने बुटीक को भी आगे लेके जाता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, अपने घर लेता है नया, और वो सब हमें फिल्म में दिखाया गया है, और हल्की फुल्की कॉमेडी के अंदाज में हमें ये फिल्म में दिखाया गया है। आगे जाके उसके पावर का क्या क्या इस्तेमाल होता है ये फिल्म में हमें दिखाया गया है। दोस्तों, बात करें परफॉर्मेंस की तो यश सोनी गुजराती सिनेमा का अमिताभ बच्चन है, ये आप बोल सकते हो। मतलब उसने ऐसी फिल्में चूज़ की है जो गुजराती सिनेमा को बहुत ज़्यादा आगे लेके गई है। आप उनकी पिछली फिल्में उठा के देख लीजिए, चाल जीवी लइए, नाड़ी दोस, राडो, और अभी ये फक्त महिलाओं मटे। इस बंदे ने ऐसी स्क्रिप्ट चूज़ की है और अपने परफॉर्मेंस ऐसा दिखाया है कि क्या ही बताऊं। अभी कोई गुजराती सिनेमा में कोई नंबर वन पे चल रहा है उसका नाम यश सोनी ही है, मान गए भाई। मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया है, हर एक कॉमेडी सीन में उनकी जो एक्टिंग है वो लाजवाब लगी है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी लाजवाब लगी है, और जब भी वो महिलाओं के मन की बात सुनता है तब उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो भी कमाल के लगते हैं। मतलब कि कोई भी ओवर एक्टिंग ड्रामा नहीं लगता है। फिल्म में दीक्षा जोशी का रोल बहुत ही छोटा है, मतलब कि इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, पूरा ही पूरा स्क्रीन टाइम यश सोनी के ऊपर है। मतलब पूरे कंधे पे ये उन्होंने मूवी चला के रखी है। दीक्षा जोशी का रोल बहुत ही छोटा है, लेकिन जितना भी है उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस जिसने दिया है उसका नाम है भाविनी जानी। मतलब के जो यश सोनी की जो बा होती है फिल्म में, उनका रोल, उन्होंने इतनी कॉमेडी कराई है। मतलब जब भी वो स्क्रीन पे आई है उन्होंने कॉमेडी ही कराई है, और जब भी उनके मुंह से डायलॉग डिलीवरी सुनते हैं पेट हंस हंस के पागल हो जाता है। मतलब मैं इतना हंसा हूँ, इतना हंसा हूँ, मज़ा ही आ गया। एक सीन में जहाँ पे यश सोनी को लड़की वाले देखने आते हैं तो यश सोनी की माँ बोलती है कि लड़की कितनी शर्माई हुई है, मतलब एक घंटे से कुछ भी नहीं बोला। तो यश सोनी की जो दादी होती है वो बोलती है, गूंगी तो नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जो भाविनी जानी जी ने इतने बेहतरीन तरीके से की है, इतनी अच्छी एक्टिंग की है, चाहे वो कार वाला सीन ले लीजिए, अंबाजी वाला सीन ले लीजिए, उनके घर की बैठक का सीन ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है।
तो बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी इसका अच्छा खासा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि विजुअली हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है, लेकिन एक जो फैमिली ड्रामा डायरेक्शन होना चाहिए, जिस तरह से ऑडियंस को फर्स्ट से लेके एंड तक बांधे रखना चाहिए, जिस तरह की कॉन्वर्जेशन एक फैमिली में होनी चाहिए, उस तरह की कन्वर्जेशन इस फिल्म में दिखाई गई है। कैसे मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है, कुछ पैसे बचाने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करता है, वो भी इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया। हालांकि जो वेगन वाले चीज़ है वो मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, जो दूध का हम त्याग करते हैं, लेकिन ठीक है, फिल्म के नज़रिए से आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्शन दिया है। दोस्तों फिल्म में कुछ ज़्यादा गाने नहीं है और मुझे इतने भी खास नहीं लगे। हाँ, लास्ट में एक गाना आया था जहाँ पे यश सोनी बोल देता है कि भाई अब मुझे वरदान नहीं चाहिए, जहाँ पे वो गाना बजता है, वो गाना लास्ट वाला बहुत ही बढ़िया लगा। दोस्तों इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का कोई रोल नहीं है, वो पूरी फिल्म में वॉइस ओवर देते हैं। मतलब कि फिल्म शुरुआत होती है तो अमिताभ बच्चन की वॉइस आती है, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या लगी कि अमिताभ बच्चन हिंदी में वॉइस ओवर नहीं दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन गुजराती में पूरी मूवी में वॉइस ओवर दे रहे हैं। पूरी मूवी में उन्होंने कभी हिंदी डायलॉग नहीं बोला, पूरे के पूरे डायलॉग गुजराती में लिखे गए हैं, जो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये एक अच्छी बात लगी कि गुजराती ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, ऊपर से अमिताभ बच्चन की आवाज़ है वो सब लोग पहचानते ही है, तो उनको पहले ही सीन में पता चल जाता है। दोस्तों इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो भी अच्छा खासा है, मतलब कि कॉमेडी ढंग से एंडिंग की गई है और हमें ऐसा दिखाया गया है कि इसका पार्ट टू भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का इसका क्लाइमैक्स दिखाया है बजट थोड़ा बढ़ ही जाएगा इस तरह का क्लाइमैक्स दिखाया है, क्योंकि जिस एक्टर को साइन कर रहे हैं वो पूरे के पूरी एक गुजराती मूवी के बराबर है। तो अगर आप हल्की फुल्की फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, एक मस्त कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ही अच्छे से काम किया है और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लिए बिना एक अच्छा हल्का फुल्का मन करने के लिए आप ये मूवी ज़रूर से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फक्त महिलाओं माटे को दूंगा 8 out of 10 stars। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।